मिजंग चुंगी पे आए और बाबा जी का शरबत ना पिए, ये तो हो नहीं सकता जनाब। 1990 का इनका स्टार्ट किया है और ये 20 रुपए का ग्लास दे रहे हैं। ज़बरदस्त धूप का नामो निशान है, दूर दूर तक ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से हमारी राइड, मौसम कमाल है। और इस मौसम का मज़ा सिर्फ बाइक पर ही आता है, बाकी नहीं। ये वही महसूस कर सकता है जो बाइक चलाते हैं। हम शाहकोट पहुंचने वाले हैं, टोल प्लाजा आ गया है शाहकोट का। शाहकोट में बड़ी ज़बरदस्त शहर है, सिटी है। यहाँ पे एक दरबार है बाबा नौलख हज़ारी, और उनकी चिल्ला गाह भी है। एक यहाँ पे शेख जी बर्फ़ी वाले बड़े मशहूर हैं। ये दो चीज़ें शाहकोट की बड़ी मशहूर हैं, मज़ेदार हैं जनाब। कभी आप चक्कर लगाएं शाहकोट तो ये दो चीज़ें लाजमी विज़िट करें, मज़ा आएगा आपको। आप कहीं ब्रेक लगा के जनाब चाय नाश्ता करते हैं जी। हम सफ़र को इंजॉय करते करते पनवा पहुंच गए हैं और अभी तक नाश्ते के लिए ब्रेक नहीं लगाई। रुकने को दिल ही नहीं कर रहा यार, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और 40-50 की स्पीड पे जा रहे हैं, यानी कि फुल इंजॉय वाली राइड है। ये देखो ना माशाल्लाह क्या बात है जी, ट्रैक्टर ट्राली वाले पीछे माशाल्लाह चीमा टाइम आ रहा है और उसने तोड़ें पटी हुई हैं, हरन पे हराम। ये जो छोटे छोटे बीच में स्टॉप आते हैं ना, छोटे छोटे शहर आते हैं, यहाँ पे बड़े ही ध्यान से जाया करें। इस जगह पे स्पीड नहीं मारनी आपने, अल्लाह ना करे इस ऐसे जगहों पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यकदम कोई चीज़ आगे से निकल आए और अल्लाह ना करे कि आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो कोशिश करें इस नीयत से आपने गाड़ी चलानी है भाई, आगे सारे अंधे हैं सिर्फ मुझे ही नज़र आता है तो फिर आप ड्राइवर हैं। अगर ये सोचें भाई अगले वाला बचाएगा तो फिर आप ड्राइवर नहीं हैं। ड्राइवरी का पहला असूल ये है कि आप अगले बंदे को अंधा समझना है, बचना बचाना आपने है। तो ये अच्छी बातें हैं, अच्छी टिप्स हैं, इस पर खुद भी अमल करें, मैं भी अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें हादसात की मौत से बचाए, महफूज रखे। इमेजिन करें ना आप कि भाई ऐसा मौसम हो, ओए हो क्या कहना जनाब, हरियाली हर साइड पे, ग्रीनरी नज़र आ रही हो, ओए हो तो रुकने का दिल करता है भला। नहीं, ये एक पठान होटल आया है, देखते हैं ब्रेक मार के ना कोई नाश्ता कर ही लें। है कुछ के नहीं भाई, है नाश्ता वगैरह, नाश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, नाश्ता करने के बाद निकले हैं जनाब। माशाल्लाह बादल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, जिस तरह पहाड़ों का सीन है, क्या बात है, अल्लाह ताला की कुदरत। अब हल्की हल्की जो है ना, हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई है क्योंकि 10 बज गए हैं। देखते हैं माशाल्लाह, एक घंटे में अच्छा सफ़र कर लिया हमने। नौ बजे हम थे उधर कश्मीर पुल पे, और राइड करते करते पता ही नहीं चला यार इतने जल्दी हम पनवा पहुंच गए। और इधर ये बारिश बता रही है पानी जनाब की, रात को बारिश हुई है यहाँ पे या सुबह को बारिश हुई है जी।
अभी शेखपुरा टोल प्लाजा क्रॉस किया है, आगे आ रहा है शेखपुरा लाहौर बाईपास। तो यहाँ से हम शेखपुरा को बाईपास करेंगे क्योंकि हमने शहर में जाना नहीं है। शहर में एक तो ताज़ा ताज़ा बारिश हुई है, पानी होगा, और दूसरा रश बड़ा होगा ट्रैफिक का। तो इस चीज़ को हम बाईपास करके जनाब बाहर से निकलेंगे। और यहाँ तक तो माशाल्लाह राइड बड़ी कमाल की रही है, मौसम ने साथ दिया है और कमाल मज़ेदार जनाब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सामने शेखपुरा, लेफ्ट साइड सरगोधा और राइट साइड पे लाहौर। वाह, ये है शेखपुरा बाईपास का गोल चक्कर। ये देखें इतनी बारिश हुई है कि पानी खड़ा हुआ है जनाब। और आगे लाहौर का क्या सीन मिलता है हमें कोई पता नहीं है, अल्लाह ख्याल करे। ओहो बहुत ज़्यादा पानी है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो बाईपास का रोड आता है उस पर क्या सूरत हाल। ये जनाब शेखपुरा लाहौर बाईपास का मंजर है, बारिश होकर रुकी है और ठीक ठाक कीचड़ है साइडों पे। आगे जो सीन बनता है ना शेखपुरे से लाहौर तक, ओहो ये भी अखीर का रूट है, रश बड़ा रूट है और बड़ा टाइम लगता है इस रूट पे ना, और एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा इस रूट पे होते हैं। तो इस रूट पे मेरी कोशिश होती है कि गाड़ी 30 40 50 इससे ज़्यादा ऊपर ना भगाऊँ, अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो अंडर कंट्रोल हो, खुद भी बचो दूसरों को भी बचाओ यार, क्योंकि ये जो पैच है ना ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। हमने तो वो सखियाँ पुल से मुड़ जाना है क्योंकि नई रोड बनी है, शदरे वाले साइड पे तो जाना नहीं है। दोस्त को कॉल कर लेंगे भाई किधर है, तो फिर उस साइड पे निकल जाएंगे। ये हम जनाब सखियाँ पुल पहुंचने वाले हैं, जो सखियाँ पुल का बाईपास है, गुजरा वाला शदरा सामने है, सखियाँ वाला राइट साइड पे। तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे सखियाँ वाला, क्योंकि रोड नहीं बनी है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, शॉर्टकट है। अभी तक तो माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त मिला है, बारिश नहीं मिली, ऐसे मौसम रहे तो क्या बात है। ये डाइवर्ट हो रहे हैं जनाब सखियाँ वाला, ये कल परसों का हरन भी नहीं चल रहा, ये भी इसको ठीक करवाते हैं। आहा अब आ गया, वेलकम टू लाहौर। रावी पुल देखते हैं जी बारिश के बाद इसमें क्या कोई पानी वगैरह आया है, इंडिया ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, या ये खुश्क ही रहेगा इसी तरह। वाह मौसम वाकई लाहौर का कमाल है भाई, ओए ओए वाह 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 वाह। नहीं जी नहीं, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, रावी में भी पानी आया हुआ अच्छा खासा भाई।
वाह क्या बात है रावी की। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। रावी की क्या बात है, एंटर हो गए लाहौर में जी। दोस्तों ये अंदरूनी लाहौर हम आ गए हैं मार रोड से अंदर की तरफ, और यहाँ का हाल भी वही है फैसलाबाद जैसा ही। देखें पानी खड़ा सड़कों पे, वाह बारिश होने का ये फ़ायदा हुआ है कि मौसम ठंडा है भाई, मज़ेदार है। यहाँ से हम अंदर को होते हैं जनाब, ये वार्डन चौक में खड़ी है चारों साइडों से जनाब, हर बाइक वाले को रोक रहे हैं जिसके पास हेलमेट नहीं है या अंडर एज है, और उनको जनाब फाइन ठोके जा रहे हैं। वाह वाह अच्छी बात है, ओए हो आराम से चलेंगे भाई आराम से। हाँ वाह आज नए रूट से चलते हैं जनाब, देखते हैं कहाँ तक। आज संडे है ना, तो संडे में लाहौर सब कुछ बंद ही होता है, रेस्ट पे होते हैं लाहौर ये सारे। अच्छी बात है, एक दिन रेस्ट करना चाहिए, 6 दिन काम एक दिन रेस्ट। ये वाह इस बाजार में दोनों साइडों में जनाब शूज़ की दुकानें हैं और बेताशा है। अब इस चौक का मुझे नाम नहीं पता लेकिन शूज़ की दुकानें बहुत हैं इस चौक में। लोरिया को देख रहा होगा तो उसको पता होगा कौन सा चौक है ये। वाह अनारकली स्टेशन है जनाब, बारिश के बाद लाहौर भी निखर आया भाई, खूबसूरत नज़र आ रहा है आज। मिजंग चुंगी पे आए और बाबा जी का शरबत ना पिए ये तो हो नहीं सकता जनाब। 1990 का इनका स्टार्ट किया है और ये 20 रुपए का ग्लास दे रहे हैं। इनके पास संदल होता है और बादाम का होता है, और माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा है इनका। जब भी मैं लाहौर आऊँ तो इनके पास शरबत लाजमी पी के जाता हूँ, कमाल का टेस्ट है यार।